साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। कहते हैं किसी के दुनिया से जाने के बाद वक्त के साथ सब कुछ सेटल हो जाता है, यादें भी धुंधली हो जाती हैं और बातें भी, मगर सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा नाम है जो कि 3 साल से ज्यादा वक्त पहले जा चुके हैं, मगर ना तो उनका जिक्र खत्म हुआ और ना ही उनसे जुड़ी खबरें। तो हाल ही में खबरें आई थी कि एक्ट्रेस अदा शर्मा ने सुशांत सिंह राजपूत का वो अपार्टमेंट खरीद लिया है जिसमें सुशांत रहा करते थे, जहां उनको संदिग्ध हालत में मृत पाया गया था। मगर अब इससे भी बड़ी खबर ये आ रही है कि अदा शर्मा शिफ्ट करने के बाद एक रात भी उस अपार्टमेंट में नहीं टिक पाई, बल्कि रातों रात अदा शर्मा की हालत खराब हो गई और रात में ही अदा शर्मा को अपार्टमेंट छोड़कर जाना पड़ा, जिसके बाद कई तरह की बातें और कई तरह के दावे सामने आ रहे हैं। तो क्या है इस पूरी खबर की डिटेल? आखिर रात में अपार्टमेंट में ऐसा क्या हुआ? क्यों अदा शर्मा को रातों रात भागना पड़ा? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आपको मुंबई के बांद्रा में स्थित वो माउंट ब्लैक अपार्टमेंट तो याद ही होगा जिसमें सुशांत संदिग्ध हालत में पाए गए थे। सुशांत के इस तरह से जाने के बाद से लेकर अब तक ये अपार्टमेंट खाली ही पड़ा था। अपार्टमेंट के मालिक ने कई बार रेनोवेशन भी करवाया, रेंट भी कम कर दिया, मगर फिर भी 3 साल तक एक किराएदार तक इस अपार्टमेंट को नसीब नहीं हुआ। अगर कोई घर देखने भी आता, डील को तय भी कर लेता, मगर सुशांत के बारे में पता चलने के बाद वो डील को कैंसिल कर देता, क्योंकि कोई भी ऐसे घर में नहीं रहना चाहता जहां किसी की संदिग्ध मौत हुई हो। यहां तक कि किसी ने तो अपार्टमेंट में भूत प्रेत का साया होने और अजीब आवाज आने की बातें तक कही। हालांकि इन सब बातों से परे द केरला स्टोरी एक्ट्रेस अदा शर्मा ने हिम्मत दिखाई और सुशांत सिंह राजपूत के 3 साल से खाली पड़े अपार्टमेंट को खरीद लिया, जो कि मीडिया में एक बहुत बड़ी खबर के रूप में सामने आया कि अदा शर्मा ने 15 करोड़ की कीमत में ये शानदार डुप्लेक्स खरीदा जिसका नजारा और व्यू बेहद खूबसूरत है, और फिर इसमें अदा शर्मा ने काफी महंगा इंटीरियर भी करवाया, और फिर अदा शर्मा ने 2 सितंबर की दोपहर में उस अपार्टमेंट में शिफ्ट भी कर लिया, यानी अदा शर्मा अपना सामान लेकर नए घर में रहने के लिए चली गयी। खबरों के मुताबिक अदा शर्मा ने 2 सितंबर को दोपहर में शिफ्ट किया और 2 सितंबर की ही आधी रात को वापस अपने पुराने घर में लौट आई। जी हाँ, ये बड़ी खबर आ रही है कि अदा शर्मा उस अपार्टमेंट में 12 घंटे भी नहीं टिक पाई। अब जैसे ही ये खबर आई तो कई तरह के दावे भी सामने आ गए। किसी का कहना है कि जरूर अदा शर्मा को कोई साया दिखा होगा, हो सकता है कि सुशांत की आत्मा आज भी वहाँ रहती हो। तो वहीं किसी का कहना है कि अपार्टमेंट में अजीब आवाजें आती है, इसीलिए अदा शर्मा रात भर नहीं टिक पाई। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि अदा शर्मा अब दोबारा उस घर में कभी नहीं जाएंगे और अपनी जिंदगी भर की कमाई गंवाने की वजह से बहुत परेशान है। हालांकि अदा शर्मा की तरफ से अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, मगर ये बात सही है कि अदा शर्मा उस घर में एक रात रहने के लिए गई थी, मगर इंटीरियर का काम पूरा नहीं होने की वजह से उनको वहाँ पर काफी अनकंफर्टेबल लगा और वो रात को ही वापस अपने पुराने घर में लौट आई। सूत्रों की माने तो इंटीरियर की वजह से पेंट की स्मेल और डस्ट बहुत ज्यादा होने के कारण अदा शर्मा की हल्की सी तबीयत खराब हो गई और इसी वजह से अदा शर्मा रात में ही वापस लौट आई। हालांकि रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अदा शर्मा को अपार्टमेंट में अजीब आवाजें आ रही थी और डर की वजह से अदा शर्मा रात में ही वहाँ से भाग गई। अब सच क्या है ये तो अदा शर्मा ही जाने, मगर आपको क्या लगता है? क्या सुशांत वाले अपार्टमेंट को लेकर आ रही थ्योरीज में इतना दम हो सकता है? क्या वाकई में अदा शर्मा डर की वजह से रातों रात भाग खड़ी हुई, या फिर तबीयत खराब होने की वजह से रात में वापस आना पड़ा? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो लगता है कार्तिक आर्यन और करण जौहर के बीच चल रहा झगड़ा खत्म हो चुका है और ये बॉलीवुड की बहुत बड़ी खबर है। दोनों के मतभेद दूर हो गए हैं, क्योंकि 2 सितंबर 2023 को कार्तिक आर्यन को करण जौहर के घर के बाहर देखा गया। तभी से चर्चा शुरू हो गई कि दोस्ताना 2 वाला विवाद खत्म होकर दोनों आगे बढ़ गए हैं, शायद किसी फिल्म को लेकर काम पर भी लग गए हैं। लेकिन झगड़ा सिर्फ खत्म नहीं हुआ, बल्कि खबर ये है कि करण जौहर के हाथ जोड़कर माफी मांगने के बाद कार्तिक आर्यन लंच पर आने को तैयार हुए। तो आपको बता दें कि जब करण जौहर की दोस्ताना 2 से कार्तिक आर्यन बाहर हो गए थे तो दोनों के झगड़े को लेकर तरह तरह की बातें सामने आई थी, मगर अब कुछ हलचल ऐसी हो रही है जिसे देखने के बाद यही कहा जा रहा है कि दोनों का झगड़ा खत्म हो गया है। जल्द ही दोनों कुछ सरप्राइज भी दे सकते हैं। दरअसल करण जौहर के घर के बाहर कार्तिक आर्यन को स्पॉट किया गया, इसके बाद दोनों के मेल मिलाप की बातें शुरू हो गई है।
2 सितंबर को दिन के वक्त करण जौहर के घर कार्तिक आर्यन नजर आए। खुद करण जौहर कार्तिक के वेलकम के लिए खड़े नजर आए, वो भी हाथों में फूलों का गुलदस्ता लेकर। दोनों को यूं साथ में देख कयास लगाए जाने लगे कि दोनों का पुराना मतभेद खत्म हो गया है और जल्द ही दोनों किसी प्रोजेक्ट पर काम भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि करण जौहर ने ही आगे बढ़कर शहजादा के वक्त भी कार्तिक आर्यन को बधाई दी थी, यानी कि करण जौहर बहुत पहले से कार्तिक आर्यन से पैचअप करना चाह रहे थे। वहीं आपको ये भी बता दें कि एक इंटरव्यू में दोस्ताना 2 से बाहर निकाले जाने पर कार्तिक आर्यन ने रिएक्ट किया था। तब उन्होंने बड़ी ही सादगी से कहा था कि मेरी मम्मी ने मुझे हमेशा सिखाया है कि जब किसी के साथ अगर मतभेद हो जाए तो उस विवाद को लेकर ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, बस मैं उसी को फॉलो करता हूं और इस बारे में नहीं करता। रही बात दोस्ताना 2 की, तो जो मेरी किस्मत में नहीं है मैं उसकी परवाह नहीं करता, मेरा काम सबको लाइन पर ला देगा। माना गया था कि कार्तिक आर्यन ने ये लाइनें करण जौहर के लिए ही कही थी और अब कार्तिक की बात सच भी साबित होती हुई दिख रही है। वहीं एक और अखबार को दिए इंटरव्यू में कार्तिक आर्यन से जब दोस्ताना 2 से बाहर निकाले जाने पर सवाल किया गया तो कार्तिक ने बताया कि कैसे उन्होंने इन सब से डील किया। कार्तिक ने कहा था कि मैंने सोच लिया था कि मैं कुछ नहीं कहूंगा, मेरा काम कहेगा, जो भी बोलना है मेरा काम बोलेगा। जब भूल भुलैया 2 हिट हुई तो सबको जवाब मिल गया, वो एक क्रांति थी। यहाँ आपको बता दें कि कोविड के दौरान जब सबकी फिल्में पिट रही थी तो सिर्फ कार्तिक की फिल्म भूल भुलैया 2 ही सुपरहिट हुई थी, जिसके बाद तो कार्तिक आर्यन बॉलीवुड के टॉप रेटेड एक्टर बन गए। वहीं आपको ये भी याद दिला दें कि दोस्ताना 2 को लेकर अचानक खबरें आई थी कि मेकर्स ने कार्तिक आर्यन को निकाल दिया है। कुछ अनप्रोफेशनल चीजों के चलते एक्टर को इस फिल्म से बाहर कर दिया गया। इसके बाद करण और कार्तिक के झगड़े की खूब चर्चा हुई थी। हालांकि ये फिल्म भी इसके बाद ऐसी अटकी कि आज तक बन नहीं सकी और अब कार्तिक आर्यन के लिए करण जौहर मरे जा रहे हैं, माफी तक मांग चुके हैं। यानी साफ तौर पर कहा जाए तो कार्तिक आर्यन ने करण जौहर को वाकई में रास्ते पर ला दिया है, करण जौहर की हेकड़ी निकाल दी है। खुद को बॉलीवुड का रूलर समझने वाले करण जौहर कार्तिक आर्यन के सामने घुटने टेक चुके हैं और ये तस्वीरें इस बात की गवाह है। इस पैचअप पर सुशांत के फैंस भी अपनी ओपिनियन दे रहे हैं। सुशांत के फैंस का कहना है कि वैसे तो हम नहीं चाहते कि कभी कार्तिक आर्यन करण जौहर के साथ काम करे, मगर कहीं ना कहीं कार्तिक ने करण जौहर से सुशांत की बेइज्जती का बदला ले लिया, जो कि फिल्म ड्राइव के दौरान करण जौहर ने सुशांत की बेइज्जती की थी। सुशांत के फैंस का कहना है कि हम कार्तिक आर्यन के साथ हर हाल में खड़े हैं और कार्तिक को किसी भी कीमत पर दूसरा सुशांत नहीं बनने देंगे। तो आपका इस पैचअप पर क्या कहना है? क्या कार्तिक आर्यन को करण जौहर के साथ काम करना चाहिए? क्या वाकई में कार्तिक आर्यन की सक्सेस के आगे द ग्रेट करण जौहर घुटने टेक चुके हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।